कई बार कुछ लोगों को अपने कान में रिंगिंग साउंड जैसा या फिर कुछ ऐसे ही साउंड सुनाई देता है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही किसी और को सुनाई देता है। मतलब कि एक्सटर्नली कोई आवाज़ ना होने के बावजूद भी हमें अपने कान में कई बार कुछ रिंगिंग साउंड जैसा सुनाई देता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे कि टिनिटस कहा जाता है। ये एक कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम है जो कि ओल्डर एडल्ट्स को बेसिकली अफेक्ट करती है। टिनिटस कई सारे कारणों से हो सकता है, कुछ एक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, बेसिकली हेयरिंग लॉस होने की कंडीशन में और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम की कंडीशन में टिनिटस का जो साउंड होता है वो सुनाई देता है, टिनिटस की कंडीशन होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिंगिंग साउंड भी हो सकता है, कुछ एक और तरीके के भी फैंटम साउंड्स हो सकते हैं। मतलब कि एग्जैक्टली वो साउंड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लोगों को जो कि पेशेंट है उनको उनके कान में ये साउंड सुनाई देता है, उन्हें ये साउंड महसूस होता है। जैसे कि बजिंग हो सकता है, रोरिंग हो सकता है, क्लिकिंग साउंड हो सकता है, हमिंग का साउंड हो सकता है, हिसिंग साउंड हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग साउंड्स हैं जो कि सुनाई दे सकते हैं या फिर महसूस हो सकते हैं। ये जो साउंड्स हैं ये लो टू हाई पिच के हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत हल्का हल्का महसूस होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये जो साउंड है टिनिटस का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनके डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो जो साउंड है वो इंटरफेयर कर सकता है। हो सकता है कि ये एक ही कान में हो सकता है कि दोनों कान में हो। कई बार ये जो टिनिटस का साउंड है ये पल्सिंग और वोशिंग साउंड टाइप्स हो सकता है जो कि हार्ट बीट के साथ में होता है। ऐसे साउंड को जब डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन करते हैं तो वो भी इस साउंड को महसूस कर सकते हैं, वो भी साउंड को सुन सकते हैं। इसको पल्सेटाइल टिनिटस कहा जाता है। तो अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो, सर्दी जुकाम हुआ हो और जो टिनिटस जैसा उसका साउंड आ रहा है वो कुछ एक टाइम के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, परसिस्टेंटली प्रेजेंट है, तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ अगर टिनिटस के साथ में आपको डिजीनेस जैसा हो रहा है, हेयरिंग लॉस जैसा महसूस हो रहा है या फिर इसके साथ में डिप्रेशन जैसी कंडीशन, एंजाइटी जैसी कंडीशन भी महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए टिनिटस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो टिनिटस है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ एक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं या फिर एग्जैक्टली कान से रिलेटेड यानी कि हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी हेल्थ कंडीशन है वो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किन कारणों से टिनिटस की कंडीशन हो रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। तो अगर हम बात करें कि मेन इसके जो रीजंस हैं, बेसिकली इसके कौन कौन से कारण हैं, तो कॉमन कॉजेज में सबसे पहले होता है हियरिंग लॉस। वहाँ पे एक्चुअली आपका जो कान होता है, आपका जो इनर ईयर होता है, वहाँ पे छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं और उसको आवाज़ में कन्वर्ट करते हैं और आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि क्या आवाज़ें हैं। तो उन हेयर सेल्स में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो साउंड वेव्स जो हैं उनके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आती है और वो जो चीज़ें हैं टिनिटस जैसा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में हियरिंग लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन की कंडीशन है या फिर ईयर ब्लॉकेज है, तो इन कंडीशन में वैक्स जमा हो गई है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है, कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन पार्टिकल की वजह से ब्लॉकेज हो गया है, तो ये जो सारी कंडीशन है इसकी वजह से भी टिनिटस का साउंड हो सकता है। हेड एंड नेक इंजरी है, तो वहाँ पे जो हियरिंग रिलेटेड आपके ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से टिनिटस का साउंड आ सकता है। अगर हेड एंड नेक इंजरी है ऐसी कंडीशन में यूजली एक कान अफेक्टेड होता है। साथ ही साथ कुछ एक मेडिकेशंस भी हैं, कुछ एक दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से टिनिटस हो सकता है। ये दवाइयों का जो अगर ये दवाई रिलेटेड है तो अगर इनका डोज बढ़ाते हैं तो टिनिटस बढ़ सकता है, और अगर इन दवाइयों को क्विट कर देते हैं तो टिनिटस बंद हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीडायबिटिक्स हैं, कैंसर ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से भी टिनिटस की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा मिनियस डिजीज में टिनिटस हो सकता है, स्टेशन ट्यूब के डिसफंक्शन में भी ये कंडीशन हो सकती है। इनर ईयर जो होता है वहाँ पे अगर मसल स्पैज्म हो जाता है तो भी ये कंडीशन हो जाती है। अगर ईयर में जो बोन है उसका मेलफॉर्मेशन हो जा रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो भी ये दिक्कत हो जाती है।
साथ ही साथ कुछ एक ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनसे उनकी कंडीशन में भी टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मेलफॉर्म ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, तो जो ब्लड फ्लो करता है उसके प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ एकॉस्टिक न्यूरोमा या फिर हेड एंड नेक के और जो ट्यूमर्स होते हैं उन कंडीशंस में भी टिनिटस भी प्रेजेंट हो सकता है। TMJ डिसऑर्डर्स होते हैं यानी कि टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, जो हमारा लोअर जॉ को स्कल से जोड़ता है, उस कंडीशन में भी अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी टिनिटस हो सकता है। उसके अलावा और भी कुछ एक मेडिकल कंडीशंस होते हैं लाइक थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूपस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, ये सारी कंडीशंस भी टिनिटस, इन कंडीशंस में भी टिनिटस हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो अगर लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर लंबे समय के लिए है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, तो ये टिनिटस होता है। ओल्डर एडल्ट्स में होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो पुरुष होते हैं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में समस्या देखी जाती है। उसके अलावा कुछ एक हेल्थ कंडीशंस होते हैं, ओबेसिटी है यानी कि मोटापा है, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन कंडीशन में भी हो सकता है। साथ ही साथ तंबाकू सेवन और शराब सेवन में भी ये कंडीशन हो सकती है। तो टिनिटस, हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ एक लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये डेली एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब करती है, इंटरफेयर करती है, तो अगर ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है तो जो पेशेंट है उसमें कंटिन्यूसली थकान हो सकती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कंडीशंस भी अराइज हो सकती हैं। साथ ही साथ कंटिन्यूसली सिर दर्द भी बना रह सकता है। तो जहाँ पे अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, तो जहाँ पे कंटिन्यूसली लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर है वहाँ पे कोशिश करें, अगर आप पहले तो ऐसी कंडीशन अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आप अगर इसी तरीके ऑक्यूपेशन में है जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ईयर प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो लाउड नॉइज़ है उससे जितना अपने कान को बचा सकें उतना बेहतर होगा। उसके अलावा अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही ऐसे कोई भी लक्षण अगर नज़र आते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि अगर किसी और कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ट्रीट किया जा सके। क्योंकि एग्जैक्टली जैसा कि मैंने बताया, टिनिटस का अपना कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन कई सारे अंडरलाइन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो जब आप ऐसी कंडीशन लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो ही काफ़ी होती है समझने के लिए कि टिनिटस प्रेजेंट है या नहीं है, और ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है, जो भी अंडरलाइन कंडीशन है वो क्या है, उसको समझने के लिए कुछ एक टेस्ट हैं, कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनकी मदद आपके डॉक्टर लेते हैं। सबसे पहले जो हियरिंग एग्जामिनेशन होता है, ऑडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ मूवमेंट्स रिलेटेड एग्जामिनेशन भी किया जाता है, लाइक आई मूवमेंट करने के लिए कहा जा सकता है, जॉ मूवमेंट क्लेंच करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि जो एग्जैक्ट कारण है वो समझा जा सके, किस तरीके का साउंड आपको आता है टिनिटस के दौरान, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कई तरीके के जो साउंड्स हैं वो आते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, रूल आउट करने के लिए मूवमेंट का भी मदद लिया जाता है। और जो भी आप टिनिटस के दौरान जो भी साउंड आप महसूस करते हैं, सुनते हैं, उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, ताकि किन कारणों से आ रहा है वो समझा जा सके, लाइक क्लिकिंग है, रिंगिंग है, पल्सिंग है, या फिर लो पिच है, हाई पिच है, जो भी होता है एग्जैक्टली उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करें। अकॉर्डिंगली फिर जो भी आपके डॉक्टर को रीज़न समझ आता है कि जिस वजह से जो भी कंडीशन है, जिस भी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से होता है, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके ईयर ब्लॉकेज है, ईयर वैक्स जमा है, उसको रिमूव किया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हो रही है तो उसको ट्रीट किया जाता है, कुछ एक दवाइयाँ जैसे कि मैंने पहले बताया था उसकी वजह से हो रहा है तो उन दवाइयों को चेंज किया जाता है, और अगर एज रिलेटेड है, हियरिंग लॉस की वजह से हो रहा है, तो हियरिंग एड्स आपको दिए जाते हैं, और काउंसलिंग सेशंस की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, TRT ACBT इनकी भी मदद आपको लेनी पड़ सकती है। इससे आपको बेसिकली जो टिनिटस है उसको मास्क करने में मदद मिलती है। आप अगर ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, इसको रिमूव करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप इसके साथ किस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए आपको काउंसिल किया जाता है, इसके लिए आपको समझाया जाता है, इसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ऐसी जो काउंसलिंग होते हैं, जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बताया था कि टिनिटस में एज सच दवाई
का कोई मदद नहीं है, दवाइयों के द्वारा इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है उसको दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा कंडीशन समझ में आता है तो एज पर दैट कंडीशन आपको जो भी दवाइयों की ज़रूरत होती है उसको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और आपको उसको बिल्कुल एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस ही फॉलो करना चाहिए, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो ये हमने बात की टीनिटस के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।